गुड मॉर्निंग एवरी वन दिस इज योर मैथ्स क्लास टूडे वी स्टार्ट द लेशन ट्वेल्व मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी किसी भी लंबाई की माप जी स्टूडेंट्स हमारे डेली लाइफ में बहुत से वस्तुओं की नाप की जाती है जैसे रूम की या फिर कपड़े की या फिर पेंसिल की यानी सब चीज की बहुत सारी चीज़ें वस्तुएँ हैं जिनकी हमें नाप करनी पड़ती है खेत की भी नाप की जाती है यूनिट्स ऑफ लेंथ डिफिनी ऑफ लेंथ लेंथ टेल्स अस हाउ एन ऑब्जेक्ट इज हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज कितना लंबा कोई वस्तु या कोई चीज़ है इन ओल्ड लेंथ लेंसफेयर मेजर्ड यूजिंग हैंड स्पैन फिंगरवि आर्म लेंथ आर स्टीप लेंथ एज वीलो जैसे कि नीचे दिया गया है पहले के लोग इस चीज़ों से नाप करते थे जैसे कि किसी छोटे लेंथ की नाप करनी पड़ती थी तो लिटिल फिंगर सेले के थंब तक नाप की जाती थी एंड जब उससे बड़ा किसी चीज की चौड़ाई देखी जाती थी तो ऐसे करके देखी जाती थी और अगर उससे लंबा कोई चीज का नाप की जाती थी तो हैंड से की जाती थी और किसी खेत ओत की नाप की जाती है तो वो पैरों से की जाती है ठीक है बट दीज मेजरमेंट्स आर नॉट स्टैंडर्ड यूनिट एज द हैंड स्पैन फिंगर विट आर्म लेंथ इट इज ही नाउ वी यूज द स्टैंडर्ड यूनिट एंड डिवाइसेस वी मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई ए मीटर स्केल जैसे आप लोगों ने जो स्केल अपने कम्बॉक्स में जो रखते हैं उससे मेजर करते हैं द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर ओके फॉर मेजरिंग स्मॉल लेंथ

लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर यानी सेंटीमीटर शॉर्ट लेंथ को स्केल के थ्रू नापा जाता है एंड मीटर को शॉर्ट डिस्टेंस कहें या शॉर्ट हाइट इसको नापते हैं तो जैसे शॉर्ट हाइट में हमारी हाइट हुई आपकी हाइट हुई और भी सबकी हाइट हुई या फिर दीवार की हाइट हुई एंड डिस्टेंस जैसे कितना डिस्टेंस है मतलब घर के अंदर रूमों में छोटे डिस्टेंस के लिए यूज़ मीटर किया जाता है कपड़े में भी मीटर का यूज़ किया जाता है एंड किलोमीटर किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जैसे मेरा घर और आपका घर के बीच की दूरी कितनी है या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बीच की दूरी कितनी है वन किलोमीटर इज इक्वल टू वन थाउजेंड मीटर फॉर एग्जांपल थ्री किलोमीटर ले लिए तो थ्री किलोमीटर जब हुआ तो उसको कन्वर्ट करने के लिए वन थाउजेंड से इंटू करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा थ्री मीटर में वैसे ही मीटर यानी वन मीटर इज इक्वल टू सौ सेंटीमीटर फिर हमें इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं टू टू मीटर तो टू कन्वर्ट टू इंटू हंड्रेड यानि कितना हो जाएगा दो सौ सेंटीमीटर ओके जब हम किसी नंबर को ऐड करते हैं मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर वाले हिस्से को सेंटीमीटर में ऐड करते हैं और मीटर वाले हिस्से को मीटर में ऐड करते हैं जब इन दोनों का ऐड हंड्रेड या हंड्रेड से प्लस हो जाए तो फिर वो आके मीटर में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है जैसे फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व एंड सिक्स प्लस वन और कैरी कितना हो जाएगा सिक्स सेवन और कैरी वन एट फोर प्लस नाइन यानी थर्टीन कैरी इधर जाएगा सेवन प्लस वन यानी एट ओके जब हम सबस्ट्रेक्शन करते हैं देन सेंटीमीटर वाले हिस्से को सेंटीमीटर में और मीटर वाले हिस्से को मीटर में तो सेंटीमीटर में ज़ीरो में से फाइव नहीं जाएगा इसलिए फिर वन लेंगे इधर से और टेन होगा टेन में से फाइव जाएगा फाइव इधर सिक्स सॉरी एट हो जाएगा एट में से सिक्स जाएगा टू यहाँ से फिर ट्वेल्व ट्वेल्व में से सेवन जाएगा फाइव और यहाँ बचा सिक्स सिक्स में से फोर जाएगा टू यानी जब हम इसको चेंज करते हैं इसे अगर ये दूसरे वाले कोई दूसरा अगर सब्सट्रेक्शन करें यहाँ से लेना पड़ेगा तो हंड्रेड लेगा क्योंकि मीटर हमेशा सेंटीमीटर को हंड्रेड देता है हंड्रेड सेंटीमीटर देता है तो इसका नाइन्टी सेंटीमीटर प्लस हंड्रेड सेंटीमीटर नाउ योर चैप्टर हैज़ बीन कम्प्लीटेड and activity now you will do exercise in your book because I know that all of you have complete completed learned this chapter so practice on it at your place we will meet next day bye